एग्जाम्स आने वाले हैं। पूरे साल आपने जितनी मेहनत की या फिर नहीं की वो सब प्रूफ करना है आपको बस 3 घंटे के पेपर में। अब ये करने के लिए आपको उन 3 घंटों में सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट ही करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपकी राइटिंग स्पीड होनी चाहिए सुपर फास्ट। अब ये कैसे होगा? Going to see 3 strange tricks जिससे आपकी राइटिंग स्पीड हो जाएगी दुगनी बिना हैंडराइटिंग खराब किए, ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना भी फास्ट नहीं लिख देना कि टीचर को समझ ही ना आए क्या लिखा है। So strange trick number 1 is short sentences. Okay friends, तो इन दो sentences को देखिए। पहली वाली है he bought his uncle's factory और दूसरी वाली है he bought a factory that belonged to his uncle. अब मुझको ये बताइए कौन सी sentences जो आप ज्यादा जल्दी लिखाएंगे? Of course पहली वाली, जबकि दोनों की जो मीनिंग है वो एकदम सेम है। ऐसे सर सोचिए आपको एग्जाम में कितनी ज्यादा सेंटेंसेस लिखनी होती है, और अगर हर एक सेंटेंस में आपका ऐसे थोड़ा टाइम जाता रहेगा तो ऑफकोर्स फाइनली आपको पूरा पेपर लिखने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आप हर एक आंसर में जो भी आप चीज एक्सप्लेन करें उसको शॉर्ट सेंटेंसेस एक्सप्लेन करिए, सिंपल सेंटेंस यूज करिए ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पर आप ये तभी कर पाएंगे जब आपको एकदम प्रैक्टिस और सिंपल सेंटेंसेस यूज करके एक पैराग्राफ बनाने की, तो अभी से आप वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। ट्रिक नंबर 2 है बस उन लोगों के लिए जो बॉल पेन से लिखते हैं। बंद करिए ये तमाशा। नहीं सच में फ्रेंड्स, बॉल पेन बहुत ज्यादा स्लो लिखता है कंपेयर टू जेल पेन, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है पेपर और पेन के बीच में। अब मुझे पता है आप लोग सोचेंगे कैसे फालतू से बात कर रही हूँ मैं, इससे कौन सा बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है, लेकिन नहीं सच में फ्रेंड्स, मैंने खुद ने एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने अपना इंग्लिश का पहला पेपर जो था वो बॉल पेन से लिखा था, और जो दूसरा मेरा इंग्लिश का पेपर था वो मैंने जेल पेन से लिखा था। जो पेपर मैंने जेल पेन से लिखा था ना वो मेरा 15 मिनट पहले कंप्लीट हुआ सच में, और जो पेपर लिखते लिखते हाथ में से गड्ढा बन जाता वो भी थोड़ा कम डीप बना था। नहीं फ्रेंड्स सच में, एग्जाम तो हमेशा ही जेल पेन से लिखिए। अब इसके बाद ट्रिक नंबर 3 है सी टेक्निक। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ना कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो हाउ से स्टार्ट हो रहा हो, व्हाट क्वेश्चन हो, व्हाई, या फिर शॉर्ट नोट्स ही क्यों ना हो, उन सबको आप आधे टाइम में आंसर कर सकते हैं ये टेक्निक यूज करके। तो सी टेक्निक का फुल फॉर्म होता है स्टेट एक्सप्लेन एंड। अब आप इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई ऐसे कर सकते हैं, जैसे समझ लो आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड राहुल गो टू दिल्ली। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले जो सी का स्टेट है उसमें आप ऑब्वियस आंसर स्टेट करेंगे एक लाइन में, व्हाई डिड राहुल गो टू दिल्ली, राहुल वेंट टू दिल्ली टू मीट हिज मदर, ठीक है। उसके बाद जो सी का सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन, उसमें आपने जो ये स्टेट किया है, जो आपने स्टेटमेंट दिया है, ऑब्वियस आंसर दिया है एक लाइन में, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। तो जो हम लोग की स्टेटमेंट थी टू मीट हिज मदर, आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि राहुल लिव्स इन बैंगलोर बिकॉज ही वेंट देयर टू स्टडी, हिज मदर लिव्स इन दिल्ली, देयरफॉर ही वेंट टू सी हिज मदर ऑन दिवाली, लेट्स से ऑन दिवाली। मतलब जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक लाइन में आंसर दिया है ना उसको आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है पॉइंट वाइज। उसके बाद लास्ट पार्ट जो आ जाएगा एंड, एंड में आपको बस जो हमारा क्वेश्चन का लाइन है ना वही लाइन आपको एंड में पेस्ट कर देना है, उसके पहले देयरफॉर वर्ड लगाकर या फिर सो वर्ड लगाकर। तो हम लोग का जैसे क्वेश्चन था व्हाई डिड राहुल गो टू दिल्ली, तो हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर देंगे वही क्वेश्चन का स्टेटमेंट, देयरफॉर ही वेंट टू दिल्ली, सो ही वेंट टू दिल्ली। सो स्टेट सबसे पहले एक लाइन में आंसर करिए, ऑब्वियस आंसर क्या है उसका रीजन, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए, और एंड में बस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दीजिए देयरफॉर।